हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज की डेट है 29 और आज का डे है फ्राइडे। तो सुबह का टाइम था और बस क्लीनिंग चल रही थी मेरी। एक्चुअली बच्चे उठ गए थे। बच्चे उठने के बाद तुरंत आ जाते हैं हॉल में और बैठ जाते हैं टीवी देखने। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये पिलोज़ वगैरह जो है वो इधर उधर फेंकते रहता है। तो इस तरह से होता है उनका सुबह, उनकी ऐसी ही होती है। और थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं, उसके बाद ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं तो हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। मैं चाय पीती हूँ, उनको दूध वगैरह देती हूँ, तो उसके साथ वो कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग साथ में। तो यही होता है सुबह का रूटीन हमारा। और बस यही हम लोग अभी मैं हॉल क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। मतलब जैसे कि बच्चों को क्या बोलते हैं दूध वगैरह देना, या उसके बाद फिर उनको ब्रेकफास्ट के लिए देना, तो वो करूँगी। और यहाँ पर ना मैंने कारपेट लगा दिया है, तो कारपेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आप लोग देखिए, एक कारपेट की वजह से कितना ज़्यादा लुक चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस आप करते रहते हो ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगता है घर। तो इसीलिए मैं थोड़े से चेंजेस ऐसे ही ना करती रहती हूँ। मतलब कुछ स्टिकर लगा दिया, या कुछ ऐसे ही कारपेट वगैरह लगा दिया, या कुछ फ्लावर पॉट लगा दिया, कुछ अलग अलग ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ घर में। तो मुझे भी देखने में अच्छा लगता है, दूसरे भी आते हैं उनको भी देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चेंजेस कुछ ना कुछ कर लेनी चाहिए घर में, तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ब्राउन राइस लगा रही थी अपने लिए। एक्चुअली थोड़े से स्टार्ट कर दिए है मैंने डाइटिंग, क्योंकि ना बहुत हो रहा है यार, बहुत वेट पुट ऑन हो रहा है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी डाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना हो रहा था। और इनका मैं भी कुछ भी खा ले रही थी, तो इसीलिए अभी मैं ध्यान दे रही हूँ अपने डाइट पे। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, पहले जैसा भी नहीं, बट थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। तो प्रॉपर डाइट पे जब आ जाऊँगी मैं, तो आपके साथ एक बार मेरा डाइट प्लान शेयर करूँगी। एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरा डाइट प्लान पूछा है। अभी तो मैं डाइट नहीं कर रही हूँ डियर, मतलब प्रॉपर डाइट नहीं कर रही हूँ। बट जब प्रॉपर डाइट पे आ जाऊँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी आदत लगानी पड़ेंगी ना, एकदम से हम लोग तो खाना नहीं छोड़ सकते। इसीलिए थोड़ी थोड़ी आदत लगा रही हूँ, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, या कुछ ऐसे ब्राउन ब्रेड तो मैं ले ही रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो ब्राउन ब्रेड मिलना बंद हो गया था। तो इसी वजह से अभी ब्राउन ब्रेड भी मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ऐसे ही आगे जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी ही। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 8:30, और बहुत लेट आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आज खाना वगैरह बन चुका है। यहाँ पर चिकन बन रहा है, सॉरी, यहाँ पर चिकन बन रहा है, यहाँ पे मेरे ब्राउन राइस बन रहे हैं, और रोटियाँ भी बन चुकी है। सारी चीज़ें, मतलब खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है। तो इस वजह से बहुत लेट हो गया आपसे बात करने में। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है वो चीज़, और आप भी बोलने वाले हो कि सही किया दीदी आपने। तो वो है ये चीज़, सही बोला था ना मैंने कि आपको पसंद आने वाली है। तो आपने बोला और मैं लेके आई हूँ, मतलब मैं नहीं गई थी एक्चुअली, इनको ही मैंने कॉल किया था। क्योंकि मेरे ना एक बार दिमाग में कुछ बैठ जाता है ना कि ये लेना है लेना है, तो वही होता है। मतलब जब से मैं डीमार्ट से आई थी ना, तब से मैं इनको बोल रही थी कि यार लेना है लेना है। और जब मैंने डीमार्ट का ब्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि यार बहुत रिजनेबल था, आपने ले लेना चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने इनको कॉल किया 1 मिनट, और इनको बोला कि आप ना एक बार कमेंट पढ़ लो और फिर देखना कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं। तो ये बोले कि नहीं ठीक है, अब मैं लेके आता हूँ। तो इसी वजह से इन्होंने फाइनली मेरी जिद के आगे ये हार गए और ये लेके आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली लुक बहुत चेंज हो गया है, मतलब बहुत ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है। वैसे मेरे किचन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब अच्छा लगता है किचन में काम करने के लिए, और फ्रेश लगता है। और ये जो कलर है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसीलिए एक बार और आपको दिखा देती हूँ, इस पर क्या बोलते हैं ढक्कन भी है और ये भी है, नल भी है, तो बहुत प्यारा लगता है ये वाला कलर, और पेंट किया हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है यार, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली मेरी विश पूरी हो गई, मैंने जो इनको बोला था वो पूरा हो गया, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली ये लेके आ गए, तो वो भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, आज मैं आपके साथ डीमार्ट का जो हॉल है वो शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि डीमार्ट की जो ग्रॉसरी लाई है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सामान है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी वजह से मैंने आज कुछ रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने सोचा चलो डायरेक्ट आपको दिखाई देती हूँ वो सारा सामान, क्योंकि
क्योंकि बाकी का कुछ शेयर करती तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, और मैं आपको मटका दिखा देती हूँ फुल लुक मटके का, फिर आपको ग्रॉसरी दिखा दूँगी। आपने देख लिया मटका कैसा है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वाला कलर। पर्पल लेना चाहिए था या ये लेना चाहिए था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जैसे ही देखा था मैंने, तो यही मुझे पसंद आया था, तो इसीलिए यही मैंने बोला था उनको कि ब्लू वाला ही लेके आना। आप लोगों में से किस किस को पर्पल पसंद आया था और किस किस को ब्लू पसंद आया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये 350 का मिला है, 350 को ये लेके आए थे। इस बार बार्गेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं की इन्होंने, क्योंकि ये ना मतलब वो नहीं था इनको कि यार इतना महंगा मिल रहा है या इतना सस्ता मिल रहा है, बट ये बोल रहे थे कि ऑलरेडी एक है अपने पास तो फिर दूसरा क्यों लेना, और वो पड़ा रहेगा वैसे ही, बट मेरी जिद थी तो उसके आगे हार माननी पड़ी उनको, तो फाइनली लेके आ गए हैं। और चलिए मैं ग्रॉसरी दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस लेके बैठ गई हूँ मैं सारी चीज़ें, और इससे भी बहुत ज़्यादा है, बट वो मैं यहाँ पर लेके नहीं आ सकती हूँ क्योंकि ये स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पर लाई है और दूसरी चीज़ें वहाँ पर है, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। एक्चुअली यही मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या लाया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें लाई है, बट अभी मैं बोलते बोलते थक जाऊँगी और आप सुनते सुनते, तो एक एक चीज़ें जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस बार प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर प्राइस देखने जाऊँगी ना तो पूरी लिस्ट मुझे ढूंढनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस चीज़ को, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ। तो पहली चीज़ है ये ब्राउन राइस, ये मेरे लिए है, आप लोगों को पता ही है मैं ब्राउन राइस यूज़ करती हूँ, मैं ना इंडिया गेट के ब्राउन राइस यूज़ करती हूँ, बट इस बार ना इंडिया गेट के ब्राउन राइस नहीं थे वहाँ पे, इसीलिए कोई नहीं उसके ब्राउन राइस लाने पड़े, और ये इंडिया गेट से थोड़े से महंगे है बट ये लाने पड़े, तो ये मैंने 2 kg लाया है, 2 बर्नियाँ, 1-1 kg की बर्नियाँ हैं, और इस बार ना पोहे 1 ही kg लाया है, क्योंकि पहले का पोहा था घर में इसलिए, और पोहा आजकल खा नहीं रहे ज़्यादा इसलिए पोहा कम लाया है। फिर ये मोनाको का फैमिली पैक लाया है, और नेक्स्ट ये लाया है, ये हाई फाइबर बिस्किट है, ये सनफिस्ट के हाई फाइबर बिस्किट है, मतलब इसमें है जवार, रागी, वीट और कॉर्न और ओट्स की कॉम्बिनेशन के ये बिस्किट है, मतलब वेट लॉस के लिए अच्छा है ये, और मतलब हाई फाइबर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट ये हमेशा की तरह हल्दीराम का बड़ा पैकेट लाया है पापड़ का, और फिर ये है यूनिबिक की बिस्किट, तो ये पूरा पैकेट लाया है बड़ा वाला, और फिर ये है सनफिस्ट के ही है मारी लाइट बिस्किट का, ये भी बड़ा पैकेट लाया है ये, और फिर ये लाया है सन पिक्सल का बड़ा पैकेट, तो ये कितने के जी का है ये ही लाती हूँ मैं हमेशा, ये कितने के जी का है देखना पड़ेगा मुझे, एक्चुअली 4 kg का ये पैकेट है। और फिर लाया है ये सफोला का मसाला ओट्स है, एक्चुअली मसाला ओट्स वेट लॉस में अच्छे नहीं होते हैं, मतलब जो रेडीमेड ओट्स है वो अच्छे नहीं होते हैं, बट ये ऐसे कभी कभी खाने के लिए अच्छा लगता है, तो इसी वजह से लेके आया है, ये ब्रेकफास्ट में वगैरह खाने के लिए अच्छा लगता है। और फिर ये मैं लूज ग्रीन टी लेके आई हूँ लिप्टन की, तो ये बड़ा पैकेट लेके आई हूँ लूज ग्रीन टी का, इसमें 165 कप बन जाते हैं, तो इसीलिए ये बड़ा पैक लेके आई हूँ। वैसे मेरे पास 2 पैक ऑलरेडी लेके आए थे ये जो टी बैग वाले नहीं आते हैं वो, बट अभी ये लूज ग्रीन टी लाई है तो ये काम आ जाएगी। और फिर मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने मस्टर्ड ऑयल के बारे में आप लोगों को बताया था कि मस्टर्ड ऑयल मेरे पास नहीं है, तो आप लोगों ने बोला था कि एक बार जरूर ट्राई करना मस्टर्ड ऑयल में सब्जी, तो इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आई हूँ, 1 लीटर की बॉटल है। फिर ये है नेविया का व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन डिओड्रेंट, ये मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद ये गुलाबरी लेके आई हूँ, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब DIY वगैरह बनाती हूँ। और फिर ये डॉक्टर ओटकर का मेयोनीज लेके आई हूँ, ये बच्चों को थोड़ा सा वो बनाती हूँ ना क्या बोलते हैं, तो सैंडविच वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर ये सोया चंक्स लेके आई हूँ, ये इसके 2 पैकेट लेके आई हूँ। फिर ये डेटॉल का हैंड वॉश लेके आई हूँ। फिर ये है पीनट बटर डॉक्टर ओटकर का, ये मेरे लिए है, मेरे डाइट का बहुत सारा सामान है इधर। और फिर ये जीरा है, जीरा कितने, ये 500 ग्राम का है जीरा। फिर ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये है 1 kg की नहीं, ये 500 ग्राम की है।
फिर चिकन मसाला है, फिर ये मेलोडी के चॉकलेट का पैकेट है, फिर ये है बोर्नविटा का पैक 1 kg का, 1 kg का ही है आई थिंक, पता नहीं, 750 ग्राम का है। और फिर ये है राजमा, और ये है डव का शैम्पू, फिर ये नमक है, नमक के कुछ पैकेट लेके आई हूँ 4-5। फिर ये लेके आई हूँ बॉडी वॉश, ये निविया का बॉडी वॉश है फ्रेश पावर फ्रूट्स, तो ये मैं यूज करती हूँ। और आप लोगों में से किसी ने पूछा था मुझे कि आप बॉडी वॉश कौन सा यूज करते हो, तो यही मैं यूज करती हूँ डियर, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इससे मतलब यूज करने के बाद बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश लगता है, इसीलिए ये यूज करती हूँ। इसका नाम भी फ्रेश है तो निविया का है। फिर ये सॉप लेके आई हूँ, बड़ा पैकेट लेके आती हूँ हमेशा, बट बड़ा पैकेट था ही नहीं तो इसीलिए छोटा पैकेट लेके आई हूँ, बट छोटे पैकेट मैंने 2 लाने चाहिए थे बट पता नहीं भूल गई, 1 ही लाया है। फिर ये इन्होंने अपना शेविंग फोम लाया है, ये है सुपर मैक्स का शेविंग फोम। फिर ये इनके लिए जॉय का ब्राइटनिंग क्या बोलते हैं फेस वॉश, तो ये 1 के ऊपर 1 फ्री है तो ये 2 है। और फिर ये टैंग लेके आई हूँ ऑरेंज वाला, और फिर ये लॉन्ग का पैकेट है ये बड़ा सा, और फिर ये पेस्ट है क्लोजअप, एक पेस्ट और लेके आई हूँ वो निकाल लिया है, तो वो कोलगेट का चारकोल पेस्ट है, तो वो बहुत अच्छा है यार, बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। ये भी क्लासिक का जो फोम है वो 1 के ऊपर 1 फ्री है, तो ये 2 मिले हैं। और जो चारकोल वाला पेस्ट है ना, उससे मैंने आज ब्रश किया तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कोलगेट का चारकोल वाला पेस्ट आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। और फिर ये राई लेके आई हूँ बारीक वाली, फिर ये गरम मसाला है एवरेस्ट का, और फिर ये है क्या बोलते हैं ये पापड़ लिखा है इस पर, बट पापड़ नहीं है, ये 2 लेके आए हूँ क्या बोलते हैं पानी पूरी, ये जो फ्राई नहीं करते वो पानी पूरी है। और नेक्स्ट है ये पीताम्बरी, और फिर है ये इलायची के 2 पैकेट, और फिर ये चिकन मसाला और है, फिर है ये छोला मसाला, बड़ा पैकेट लेके आया हूँ छोला मसाला का। और नेक्स्ट है ये क्या होता है किसान का टोमेटो केचप, और बस इसमें तो इतना ही है। अरे क्या बोलते हैं, तो इसमें रखी है पूरी दालें और लूज जो मैंने लाया है वो, तो ये है मुरमुरी का पैकेट, तो ये बड़ा सा है मतलब 1/2 kg का है शायद ये। फिर लाए हैं ये बासमती चावल, ये अलग से बासमती चावल है, ये है कितने केजी है ये, ये 2 kg है। और फिर लाई उड़द दाल, ये भी 2 kg है शायद, नहीं 2 kg से ज़्यादा है ये। और फिर ये दूसरे वाले बासमती चावल लाए हैं, ये अलग है और ये अलग है। और फिर ये क्या बोलते हैं ये सादे चावल, क्या नाम है इसका, कोलम कुछ तो भी नाम है, 1 मिनट, तो ये 5 kg लाए हैं। फिर ये मसूर की दाल लाई है 2 kg, मतलब 1.5 kg है। फिर ये लाई है अरहर की दाल, लूज लाया है ये सारा। और फिर लाई है ये लूज चीनी, तो ये सारी चीज़ें लूज लाती हूँ, चावल और क्या बोलते हैं दाले वाले ये सारी लूज लाती हूँ, और बाकी के जो आइटम है वो यहाँ पर है। और हाँ 4 पैकेट जो है वो आटा लेके आई हूँ आशीर्वाद का, तो वो 40 kg आटा हो गया है, 4 पैकेट मतलब 10-10 kg जो पैकेट है वो 40 kg आटा है। और बस इतना सामान लेके आई हूँ, तो ये कि 11.5 से 12 हज़ार का हुआ है, तो आप सोच लो यार इतना सा ही सामान है, इतना सा मतलब बहुत सारा है यार, बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो सामान भी कितना मिलेगा 12 या 12.5 हज़ार में। और हाँ एक और चीज़ है, तो वो है ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, तो ये जो है ये क्या बोलते हैं हैंड वॉश रखने के लिए है, हैंड वॉश डिस्पेंसर, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये 99 रुपीज़ के ही है, तो इसकी तरह से ही एक दूसरा लाया है, मतलब थोड़ा सा मार्बल कलर में है, ये क्या बोलते हैं वुडन का है, वुडन कलर में है और वो मार्बल कलर का है, व्हाइट कलर का, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे, तो ये ले लिया मैंने, ये 2 लाए हैं 99 के,
तो ये अलग से एक आइटम लाया है और बस सारी ग्रोसरी लाई है बाकी की, यही एक अलग से आइटम लाया है। तो ये हो गई मेरी ग्रोसरी शॉपिंग। और हाँ, ये चीज़ें तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई थी, तो ये मैंने कुछ चीज़ें निकाली है जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये सर्फ एक्सल का टॉप लोड वाला सर्फ एक्सल मैटिक लिक्विड, और सेकंड ये लिया था ये है हर्षित का सिरप, मतलब चॉकलेट सिरप, फिर इनो है, फिर पापड़ है लिज्जत के, वो 1 kg का पैक है ये पापड़ का, और बाद ये रू अफ़ज़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, ये रख दी थी एक्चुअली, तो इसीलिए दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो शॉपिंग है वो 1 महीने की नहीं है, ये 3-4 महीने आराम से हमें चल जाएगी, तो ऐसी शॉपिंग मैंने इस बार की है। तो ये आप ये मत समझना कि इतनी सारी शॉपिंग की है, तो मैंने वो 1 महीने की है। उसके साथ एक भूल गई मैं, तो वो ऑयल का टिन भी है 15 kg का। तो यहाँ पर हमारा डिनर बन गया था और यहाँ पर बना है अम्मी सा डिनर। डिनर में मैंने जैसे कि आपको बताया कि चिकन बना है, और उसके बाद ये सलाद है, मेरे ब्राउन राइस है, रोटियाँ है, वाइट राइस है, तो ये सारी चीज़ें डिनर में बनी थी। और बस हम लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। हे गाइस, डिनर वगैरह हो गया है और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। एक्चुअली अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों की कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें किसी ने कुछ बोला था, मतलब उन्होंने निगेटिव वैसे नहीं बोला है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के आंसर कर दूँ इस ब्लॉग में। एक्चुअली जब मैंने मटका देखा था, तो उस टाइम मैंने बार्गेनिंग की थी वहाँ पे, तो वो कैसा था कि यार हमारा जो नेचर है लेडीज का वो वैसे ही होता है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो जो रेट वो बताते ना, तो वो हमें सही नहीं लगता है। मतलब कोई भी रेट बताओ, वो कम बताए या ज्यादा बताए, हमें वो सही लगते ही नहीं है। हम बार्गेनिंग किए बगैर तो रह ही नहीं सकते, मतलब लेडीज का नेचर ही यही है। आप लोग एग्री करो या ना करो, मतलब बहुत लोग एग्री करेंगे इससे, क्योंकि आप भी वैसे ही होंगे मेरी तरह, मतलब आगे का बंदा कम बताए या ज्यादा बताए, हम लोग बार्गेनिंग करते ही है। और वैसे ही मैंने किया, क्योंकि मैं मतलब कोई सीरियस होके मैं वहां पर नहीं गई थी, लेने के लिए नहीं गई थी। एक्चुअली मुझे देखने थे कैसे है मटके क्या है, और एक नज़र में मुझे पसंद आ गया वो मटका, इसलिए मुझे लेना था वो, बट इन्होंने मना किया। तो उसके बाद अगर मुझे उसी टाइम लेना होता तो मैं इनको जिद करती उसी टाइम कि नहीं लेना है करके, बट मुझे लगा कि नहीं यार, मैं घर पे जाके सोचती हूँ इसके बारे में, अगर लेना है, एक ऑलरेडी मटका था मेरे पास, इसी वजह से मैंने सोचा कि यार सच में ये जो बोल रहा है वो सही है, मतलब वो मटका क्या करेंगे, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और उसमें नल वल है, अच्छा है, अब सिर्फ उसमें कलर नहीं था, बस इतना ही था, और पानी भी ठंडा करता था, बहुत ठंडा करता था। और हाँ, ये एक्चुअली पानी ठंडा नहीं कर रहा है, सुबह से हम लोगों ने इसमें पानी भरा है, दोपहर में ये आए थे तब लेके आए थे, उसी टाइम वॉश किया था और उसी टाइम से ये पानी भरा हुआ है, बट अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। ये सिर्फ दिखने के लिए अच्छा है, पानी ठंडा नहीं करता है, दिखने के लिए ठीक है, मतलब हम हर सीजन में ये यूज कर सकते हैं। अभी तो वो कैसा था कि वो हम लोग मतलब समर में यूज कर सकते थे, बहुत ठंडा करता था वो पानी, तो इसीलिए ठीक था, मतलब फ्रिज वगैरह का पानी हम लोग ज़्यादा नहीं पी रहे अभी कोरोना की वजह से, तो इसीलिए वो पानी ठंडा करता था। अभी वो भी मटका मुझे भरना पड़ेगा दूसरा, जो हमने निकाल के रखा है वो, क्योंकि ये ठंडा ही नहीं कर रहा है पानी, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर भी दिखने में अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे कि देख के नहीं यार लाया है मटका करके, अच्छा दिख रहा है। और आप लोग भी बताना कैसे लग रहा है, आप लोगों को दिखाई दिया मैंने, और एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लगा है उनकी बातों का, उन्होंने बोला भी था उसमें कि बुरा लगा हो तो सॉरी, बट वैसा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ बताना चाहती थी कि ऐसा नेचर ही है हमारा, उसमें कोई ये नहीं बदल नहीं सकता है इसको। और तो चलिए फिर इसके साथ ही ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और आज बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं है, एनिवर्सरी है, तो आज एनिवर्सरी है दीपाली मोटारकर की, और उनके हस्बैंड का नाम है मंगेश मोटारकर। तो दीपाली एंड मंगेश जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, और आपको सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में, और आप जो चाहो वो आज के दिन मिल जाए आपको, और आपको भर भर के खुशियाँ मिले, ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए कोरोना छोड़ के। और उन्होंने बोला है कि उनकी बेटी का नाम माही के और अद्विक के मुँह से लेना है, तो अद्विक और माही को बुला लेती हूँ मैं, एक और किसी ने रिक्वेस्ट की है उनके मुँह से नाम लेने के लिए, माही अद्विक को लेके आओ बेटा। एक्चुअली यहाँ पर मैंने बिठा दिया था पहले उनको दोनों को, बट वो बात ही नहीं करने दे रहे थे, अभी तो आपको पता ही है कैसा है, बिल्कुल बात नहीं करने दे रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पर चढ़ रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसको माही को बोला कि थोड़ी देर आप लेके जाओ उसे, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, तो इसी वजह से माही वहाँ पर लेके गई उसे, और फिर अभी बुलाना पड़ रहा है, आ जाओ। तो आपको लेना है नाम दीपाली मासी की बेटी का, तो उनकी बेटी का नाम है तस्मई। तस्मई तस्मई बोलो अद्वि तो
तस्मै बोलो और माही तस्मै हैप्पी हो गई होगी आप तस्मै अभी और आप अद्विक को बहुत पसंद करती हो आपकी मम्मी बताती है तो थैंक यू उसके लिए और अद्विक अभी थैंक यू बोल दो थैंक यू तो चलिए फिर और एक नाम लेना है माही को और अद्विक को तो माही और अद्विक आप एक और नाम ले लीजिए तो विजया लक्ष्मी सरला ने रिक्वेस्ट की है उनके बेटे का नाम लेने के लिए तो उनके बेटे का नाम है यशवंत यशु कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू और एक और रिक्वेस्ट आई है नाम लेने के लिए रंजिता हेब्बर ने रिक्वेस्ट की है उनके फ्रेंड और ब्रैकेट में लिखा है दीदी पता नहीं उनकी फ्रेंड है या दीदी है तो उनका नाम लेने के लिए तो उनका नाम है उमा गोदा तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर और आपकी भी लाइफ में सारी खुशियां मिले सबकी लाइफ में सारी खुशियां मिले और आप लोगों को सब मिल जाए आप जो चाहो वो मिल जाए तो बस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसपे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज हॉल वीडियोज मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो और हाँ जाते जाते लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय बाय टेक केयर